मायसेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रिज्म टू प्रिज्म इंटरसेक्शन एंड पेनिट्रेशन का प्रॉब्लम सीखेंगे। डेटा इस प्रकार है। अ स्क्वायर प्रिज्म ऑफ 40 मिलीमीटर बेस साइड्स एंड 80 मिलीमीटर हाइट इज स्टैंडिंग ऑन एचपी ऑन इट्स बेस। इट इज पेनिट्रेटेड बाय हॉरिजॉन्टल प्रिज्म हैविंग 30 mm बेस साइड्स एंड 80 mm हाइट सच दैट The axis of both the prisms bisects one another. Vertical faces of both the prisms are equally inclined with VP and axis of both the prisms are parallel to VP. Draw the projections showing line of intersection. तो यहाँ पर डेटा में हमें बताया गया है कि एक स्क्वायर प्रिज्म है जिसकी एज ऑफ बेस की जो साइड्स है उसका मेजरमेंट 40 मिलीमीटर है और इस प्रिज्म की जो एक्सिस हाइट है वो 80 मिलीमीटर है और ये प्रिज्म अपने बेस पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट हो रहा है। इस प्रिज्म को एक और हॉरिजॉन्टल प्रिज्म जिसकी एज ऑफ बेस की साइज है 30 मिलीमीटर और एक्सिस हाइट है 80 मिलीमीटर वो उसे पेनिट्रेट कर रहा है और ये जो पेनिट्रेशन की कंडीशन है उसमें दोनों प्रिज्म की जो एक्सिस है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है यानी दोनों एक्सिस एक दूसरे के मिड पॉइंट से पास हो रही है और साथ ही प्रिज्म की जो वर्टिकल फेस है वो वर्टिकल प्लेन के साथ इक्वली इंक्लाइंड होकर रेस्ट हो रही है यानी ये जो प्रिज्म की वर्टिकल फेस है वो वर्टिकल प्लेन के साथ एक समान एंगल बना रही है और दोनों प्रिज्म की जो एक्सिस है वो वर्टिकल प्लेन के साथ पैरेलल होकर पास हो रही है। तो इस कंडीशन को लेकर हमें इस प्रॉब्लम में लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ड्रॉ करना है। यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि ये दोनों प्रिज्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेस्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की थियोरी के मुताबिक ऑब्जेक्ट का जो टॉप व्यू होता है वो हमेशा एक्स वाई लाइन से नीचे ड्रॉ किया जाता है और ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू है वो हमेशा एक्स वाई लाइन से ऊपर ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सेंटेंस में जो कंडीशन दी गई है उसे हम पहले ड्रॉ करेंगे। इसमें बताया गया है कि एक जो प्रिज्म है वो अपने बेस पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम इस प्रिज्म का टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू में हमें एक 40 मिलीमीटर साइज का स्क्वायर नज़र आएगा और फ्रंट व्यू में हमें एक रेक्टेंगल नज़र आएगा। यहाँ पर एक कंडीशन हमें दी गई है जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वर्टिकल फेसिस ऑफ बोथ द प्रिज्म्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद वीपी। तो यहाँ पर जब भी ऐसी कंडीशन हमें बताई गई होती है तो जो स्क्वायर बनता है वो हमें 45 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करना रहता है। तो इस प्रॉब्लम की शुरुआत हम 40 मिलीमीटर साइड्स का स्क्वायर बनाकर करेंगे जो होगा इस कंडीशन का टॉप व्यू और उसे हम 45 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन पर रेंडमली एक पॉइंट मार्क करेंगे और इस पॉइंट में से हम रेंडम लेंथ की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस वर्टिकल लाइन पर रेंडमली एक पॉइंट मार्क करेंगे और इस पॉइंट में से हम लेफ्ट और राइट साइड 45 डिग्री के एंगल पर 40 मिलीमीटर लेंथ की दो लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इन दोनों एंड पॉइंट में से हम नीचे की डायरेक्शन में 45 डिग्री के एंगल पर 40 मिलीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करके इस स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। इस स्क्वायर का डायमेंशन है 40 मिलीमीटर। तो डेटा में जो पहला सेंटेंस दिया गया है उस कंडीशन में टॉप व्यू में हमें एक 40 मिलीमीटर साइज का स्क्वायर नज़र आएगा और फ्रंट व्यू में हमें 80 mm हाइट का एक रेक्टेंगल नज़र आएगा। तो अब हम इस टॉप व्यू में से नीचे से ऊपर की दिशा में प्रोजेक्शन ड्रॉ करके 80 mm हाइट का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इस प्रिज्म की जो एक्सिस हाइट है वो है 80 मिलीमीटर। तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस में बताया गया है कि एक स्क्वायर प्रिज्म है वो अपने बेस पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट हो रहा है तो टॉप व्यू में हमें 40 mm साइज का स्क्वायर नज़र आएगा और फ्रंट व्यू में हमें 80 mm हाइट का एक रेक्टेंगल नज़र आएगा। अब हम अगर इसको लेफ्ट साइड से देखें तो भी हमें 80 mm हाइट का ऐसा ही रेक्टेंगल नज़र आएगा। तो अब हम
लेफ्ट हैंड साइड व्यू को प्रोजेक्शन की मदद से जनरेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक रैंडम लेंथ की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस पॉइंट में से नीचे की दिशा में 45 डिग्री के एंगल पर एक रैंडम लेंथ की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस स्क्वायर के सभी पॉइंट में से इस 45 डिग्री के एंगल पर जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहां तक की प्रोजेक्शन लाइन एक्सटेंड करेंगे। अब हम फ्रंट व्यू में से 80 mm की हाइट को फिक्स करेंगे। अब हम इन तीनों पॉइंट में से ऊपर की दिशा में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये जो रेक्टेंगल मिला वो होगा इस कंडीशन का लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो यहाँ पर जो हमें डेटा में पहला सेंटेंस दिया गया है उसके मुताबिक हमने टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ कर लिया। अब आगे डेटा में बताया गया है कि इस प्रिज्म को एक और हॉरिजॉन्टल प्रिज्म जिसकी बेस की साइज 30 mm है और हाइट की साइज 80 mm है वो उसे पेनिट्रेट कर रहा है और दोनों प्रिज्म की जो एक्सिस है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, यानी दोनों प्रिज्म की एक्सिस एक दूसरे के मिड पॉइंट में से पास हो रही है। तो अब हम यहाँ पर हमने जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू में जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया है उसके मिड पॉइंट को कंसिडर करके एक 30 mm साइड का स्क्वायर ड्रॉ करेंगे और इस स्क्वायर को भी हम 45 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करेंगे। तो अब हम इस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और इस मिड पॉइंट में से पास होती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस मिड पॉइंट को कंसिडर करके 30 mm साइड का 45 डिग्री के एंगल पर एक स्क्वायर बनाएंगे। इस स्क्वायर की साइज है 30 mm। अब हम जो बाहर का प्रिज्म है उसे डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 1 double dash, यहाँ होगा 2 double dash, यहाँ होगा 3 double dash और ये बनेगा 4 double dash। यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल प्रिज्म है उसकी लेंथ भी 80 mm है जो हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में नज़र आएगी। तो अब हम इस स्क्वायर में से सभी पॉइंट में से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में इस हॉरिजॉन्टल प्रिज्म की लेंथ को जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस हॉरिजॉन्टल प्रिज्म की लेंथ को टॉप व्यू में जनरेट करेंगे। तो इन 1 double dash पॉइंट में से जो प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ किया उसे यहाँ मिलेगा 0.1 और 0.1, 0.2 double dash और 0.4 double dash में से जो हमने प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की उसे यहाँ मिलेगा 0.2 and 4 और यहाँ भी मिलेगा 0.2 and 4, 0.3 double dash में से जो हमने प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की उसे यहाँ जनरेट होगा 0.3 और यहाँ भी जनरेट होगा 0.3। अब हम इस हॉरिजॉन्टल प्रिज्म की लेंथ को प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करके फ्रंट व्यू में भी जनरेट करेंगे। अब हम इस टॉप व्यू में से सभी पॉइंट में से नीचे से ऊपर की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 0.1 और 0.1 double dash की प्रोजेक्शन लाइन आपस में जहां मिलेगी वहां मिलेगा 0.1 dash and 1 dash। तो 0.24 और 0.2 double dash 4 double dash की प्रोजेक्शन लाइन आपस में जहां मिलेगी वहां मिलेगा 0.2 dash and 4 dash। तो यहां मिलेगा 0.2 dash और यहां मिलेगा 0.4 dash। वैसे ही यहां मिलेगा 0.2 dash और यहाँ मिलेगा 0.4 dash। सेम वे 0.3 और 0.4
थ्री डबल डैश की प्रोजेक्शन लाइन आपस में जहाँ मिलेगी वहाँ मिलेगा पॉइंट थ्री डैश। तो यहाँ वन डैश के ही बाजू में पॉइंट मिलेगा थ्री डैश एंड थ्री डैश। अब हम वन डैश टू डैश और वन डैश फोर डैश पॉइंट को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को भी हम डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। और यहाँ पर फ्रंट व्यू में जो बाकी का रेक्टेंगल हमें नजर आएगा उसे भी हम डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। इस ओरिजिनल प्रिज्म की जो लेंथ है वो है 80 मिलीमीटर, जिसे हम यहाँ टॉप व्यू में दिखाएंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड हमें वन डैश टू डैश और वन डैश फोर डैश जो लाइन मिल रही है वो बनेगी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्रॉब्लम। यहाँ पर मैंने जो रेड कलर की पेन से ड्रॉ किया है उसे आपको पेंसिल से लाइट ड्रॉ करना है और ब्लैक कलर की पेन से जो ड्रॉ किया है उसे आपको पेंसिल से डार्क ड्रॉ करना है। इसी के साथ ही प्रिज्म टू प्रिज्म इंटरसेक्शन एंड पेनिट्रेशन का यह प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।